नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पारेख। अब वक्त तो चला है आज की सुर्खियां जानने का। अपहरण कर दुष्कर्म में फंसाने वाली गैंग का किया खुलासा, दो महिलाओं सहित छह किए गिरफ्तार। कलेक्ट्रेट के बाहर चल रहे धरने में युवती हुई अचेत, पुलिस ने 10 दिन में न्याय करने का दिलाया भरोसा। ट्रक लेकर हुए फरार, ट्रक मालिक ने की एसपी से शिकायत। पार्षद नरेंद्र मीना सहित ठेकेदारों को मिली जमानत, तीनों को रिश्वत के साथ एसीबी ने किया था गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। हरसौली कस्बे में श्री कृष्ण सह शिक्षा महाविद्यालय में रेलवे जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय निदेशक आरपी यादव ने रेलवे आरपीएफ इंस्पेक्टर नीतू बैरागी का स्वागत किया। बैरागी के द्वारा छात्र छात्राओं को रेलवे सुरक्षा से संबंधित जानकारियां दी गई। निदेशक आरपी यादव व प्राचार्य दिलीप कुमार, प्रवीण कुमार ने भी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर महाविद्यालय निदेशक आरपी यादव, अनिल रोहिल्ला, प्राचार्य प्रवीण कुमार, शिक्षिकाएं ज्योति, पूजा, नीता, मनीष आदि स्टाफ मौजूद रहा। बुगोर बाईपास के पास मंगलवार को एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया था। बुधवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा के घटना की जानकारी मृतका के परिजनों को दी। मृतका के भाई ने हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की जांच करने की मांग की है। बुगोर बाईपास क्षेत्र में सुनीता मीणा पत्नी गोवर्धन परिवार के साथ रहती थी। ससुराल पक्ष के लोगों ने मामले में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया व अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया। मामले की सूचना सुनीता के परिजनों को दी गई। सुनीता के माता पिता और भाई अस्पताल पहुंचे। भाई ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से मामले की जांच पड़ताल करने की मांग की। अलवर में आए दिन आत्महत्या व हत्या के मामले सामने आते हैं, लेकिन यह मामले केवल पुलिस की फाइलों तक ही सिमट कर रह गए हैं। कल दिनांक 8/3/2022 को एक महिला मृतका श्रीमती सुनीता मीणा, वाइफ ऑफ गोवर्धन, जो निवासी भुगोर बाईपास है, इसकी सामान्य चिकित्सालय में डेथ हुई थी और इसकी बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया था। आज इसके परिजन, जो इसका भाई है शिवराम मीणा, निवासी कानदीन मोहल्ला राजगढ़, इसने एक रिपोर्ट दी है कि इसकी बहन जो सुनीता है, इसकी शादी 1997 में हुई थी और कल इन्हें सूचना मिली कि इसकी डेथ हो गई है, तो इन्होंने पोस्टमार्टम करवा के और जांच करने के संबंध में रिपोर्ट पेश की है, जिस पर मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और इस रिपोर्ट पर मरग एफआईआर दर्ज करके नियमानुसार जांच की जाएगी। टपुकड़ा के समीपवर्ती औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा में लीको अधिकारियों की अनदेखी के चलते सड़क पर नाले का गंदा रसायन युक्त पानी बह रहा है। यहां तक कि लोगों को सड़क पार कर कंपनियों व कार्यालयों में जाना मुश्किल हो गया है। बालाजी धर्मकांटा के समीप क्रेन सर्विस का कार्यालय चलाने वाले महेंद्र पोसवाल ने बताया कि कई वर्षों से यह गंदा पानी बह रहा है और इसके कारण यहां पर धरती के नीचे पीने का पानी भी दूषित हो चुका है। यदि इस पानी को पी ले तो निश्चित रूप से बीमार हो जाएंगे और अब यह पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे यहां से निकलना दूभर हो गया है और काम धंधे चौपट हो चुके हैं। श्रमिकों ने कंपनियों में जाना बंद कर दिया है क्योंकि जाने का रास्ता नहीं है। कई बार साइकिल सवार, दो पहिया वाहन चालक व बच्चे व महिलाएं दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। अनेकों श्रमिकों ने पानी के समीप इकट्ठे होकर रीको का विरोध जताया। मेरा नाम महेंद्र सिंह कोसवाल है और गाँव मेरा भूरेड़ा है। मैं पूर्व MPS भी रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से और फिलहाल मैं अपना जो है मैं बिजनेस लाइन का काम करता हूं, तो मैं मशीनों का काम करता हूं। यहां क्या दिक्कत हो रही है? यहां पर जो मेरा ऑफिस है, इसके पास से गंदा नाला निकल रहा है जिसमें भीमवाड़ी का पानी आता है, काफी टाइम से आ रहा है। इससे हमें तो इतनी दिक्कत है, अगर हम उस प्लाट में जो ट्यूबवेल है उसका पानी पिए तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा तुरंत ही। इतना भयंकर, आप भी देख रहे हैं कि पानी बह रहा है और इतना गंदा हो गया, पूरा एरिया जो है दूषित हो गया है। आने वाले टाइम में अगर ये इसी तरह निकलता रहा पानी तो हमें बहुत जल्दी ही हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा सभी कंपनी वालों, क्योंकि आपने देखा है पूरे रोड पे दीवार टूट गई है एक कंपनी की तो, और इतना
दुर्गंध आती है कि आदमी वहाँ से निकल नहीं सकता। तो श्रमिक लोग कैसे निकलते हैं? ये सब बहुत ही परेशान है, उस रास्ते से कोई निकलने के लिए राजी नहीं है। हमारे वहाँ भी जो हमारे आदमी है वो भी वहाँ रह के राजी नहीं है, कोई नहीं रहता है, सब ने छोड़ दिया है भाई, वहाँ बहुत बदबू है, पानी अच्छा नहीं है। आपके काम धंधे पर भी असर हो? बिल्कुल, काम तो वहाँ हो ही नहीं रहा है, वो तो ऐसे ही चौपट है सारा काम। उसमें तो आप देख रहे हैं कि पैदल आदमी नहीं निकल सकता, गाड़ी मोटरसाइकिल ये है जो मोटरसाइकिल तो डेली पड़ती है। ये तो रिको अधिकारियों से शिकायत नहीं की? पहले कई बार शिकायत हो चुकी है, कोई ध्यान ही नहीं देता है, ये तो भगवान भरोसे चल रहा है। धन्यवाद। प्रदेश यूनियन के आह्वान पर रामगढ़ सीएचसी में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर 1 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहते हुए आज भी अपनी मांगों को लेकर मुक्त ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी रामगढ़ को ज्ञापन सौंपा। रामगढ़ सीएचसी और पीएचसी कार्यालय में संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर अपना वेतनमान बढ़ाने और 2013 में निकाली गई क्लिनिकल सहायक अभिलेख भर्ती में समायोजित करने की मांग को लेकर मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी अमित राठौड़ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी अमित राठौड़ ने बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर सभी पीएचसी और सीएचसी में मेडिकल डिपार्टमेंट में कार्यरत थे और इन सभी का कार्य भी संतोषजनक है। इन्होंने प्रदेश यूनियन के निर्देशानुसार हड़ताल पर जाने का ज्ञापन सौंपा था। इनके स्थायीकरण और वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर यह लोग 10 मार्च से हड़ताल पर जा रहे हैं। मैं डॉक्टर नितिन राठौड़, खंड विकास अधिकारी रामगढ़। हमारे यहाँ पे आज सभी जो मेन एजुकेशन कंप्यूटर ऑफिसर हैं जो प्रत्येक सीएससी पीएससी पर लगे हुए हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट के मेन कड़ी हैं जो ऑनलाइन बहुत अच्छा काम करते हैं, इन सभी ने एक ज्ञापन दिया है कि भाई ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, जो इनके राज्य स्तर के जो इनके मुखिया हैं उनके कहने पर। इनकी दो मेन मुख्य मांगे हैं, एक तो जो गवर्नमेंट की सीआरए क्लिनिकल अभिलेख सहायक पद की जो वैकेंसी थी उन पर इनको समायोजित किया जाए, और एक दूसरी इनकी इनका जो वेतन है जो 8500 उसका ये अपना मानदेय बढ़ाना चाहते हैं, 18000 पर मंथ की इनकी एक मांग है। इन दो मांगों को लेकर इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है, इसकी सूचना ऊपर जिला स्तर पर भिजवा। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामगढ़ से हूँ। हमारे प्रदेश में 4041 कंप्यूटर ऑपरेटर मैनेजमेंट मशीन कार्यरत हैं। हम 10 साल से कंटिन्यू इसी विभाग में कार्य कर रहे हैं 8500 के वेतन पर। हमारी सरकार से ये मांग है कि समस्त कंप्यूटर ऑपरेटर मैन इन मशीन MNJY एंड MNJY समस्त ऑपरेटरों को 18000 रुपये मासिक पेमेंट दिया जाए। उसके बाद सरकार ने 2013 में एक भर्ती निकाली थी सीआरए क्लिनिक सहायक अभिलेख, उस भर्ती में हमें समायोजित किया जाए, यही हमारी दो मांग है। क्या स्ट्राइक पर हो आप? हाँ, वो समस्त राजस्थान सामूहिक स्ट्राइक पर है। कब से कब तक? अनिश्चितकालीन, 1 मार्च से कंटिन्यू है हम और अनिश्चितकालीन तक। जब तक सरकार हमारी ये दोनों तीनों मांगों को नहीं मानती इस तक, जब तक हम कंटिन्यू अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। भिवाड़ी थाना पुलिस ने रोडवेज परिचालक को प्रेम जाल में फंसाकर किडनैपिंग कर बलात्कार के आरोप में फंसाने वाली गैंग का पर्दाफाश कर रोडवेज के परिचालक को बंधक बनाकर रखे जाने पर भिवाड़ी थाना पुलिस की टीम ने दिल्ली से मुक्त कराया। इस मामले में 2 महिलाओं सहित गैंग के कुल 6 शातिर मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने परिचालक जगत से ट्रांसफर कराए गए 50000 रुपए भी बरामद किए। थाना अधिकारी जितेंद्र सोलंकी ने बताया कि बलविंदर कौर पत्नी गुरुदेव सिंह निवासी शाहबाद थाना तिजारा अलवर रोडवेज बस में बैठकर दिल्ली जा रही थी। रोडवेज में बलविंदर ने परिचालक जगत सिंह को प्रेम जाल में फंसाकर दिल्ली में अपने कमरे पर आने के लिए राजी कर लिया। दिल्ली में जब परिचालक जगत सिंह बस को बस स्टैंड पर खड़ी कर मुलजिम बलविंदर कौर के साथ उसके कमरे पर जा रहा था तो मुलजिमा ने रास्ते में ही अपनी गैंग के सदस्यों को फोन कर दिया और टेम्पो परिचालक को टेम्पो में पटक कर ले गए। कमरे पर ले जाकर महिला बलविंदर व ज्योति ने परिचालक जगत सिंह को बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 1 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए और 2 लाख रुपए की और मांग रखी, जिस पर जगत सिंह ने अपने भांजे अजीत सिंह को फोन कर 2 लाख रुपए लाने की बात कही। इस प्रकरण में अभी तक ज्योति उर्फ कमलजीत कौर पत्नी आजाद सिंह निवासी दाऊदपुर फाटक अलवर, बलविंदर कौर पत्नी गुरुदेव निवासी शाहबाद थाना तिजारा अलवर, हेमंत सिंह उर्फ बल्ला पुत्र नारायण निवासी नोगावा, अमरजीत सिंह उर्फ काके पुत्र प्यारे सिंह निवासी दाऊदपुर फाटक अलवर, रवि सिंह पुत्र बलदेव निवासी साठफुट रोड, एनीबी अलवर हरदीप सिंह उर्फ सैंडी पुत्र वजीर सिंह निवासी भरतपुर को गिरफ्तार किया है। कल अजीत नाम का एक लड़का है, उसने थाने पर आके बताया कल 4 बजे कि मेरे एक भाई हैं
है रोडवेज में, जगत सिंह, वो दिल्ली रोडवेज लेके गए थे, अब उनका अपहरण कर लिया और 3 लाख फिरौती मांग रहे हैं। इस सूचना पे हमने यहां से रजनी सब इंस्पेक्टर की के नेतृत्व में टीम भेजी थी दिल्ली, उन्होंने जाके और वहां कुल 6 लोगों को अरेस्ट किया है, उसमें 2 महिलाएं और 4 लोग हैं। ये भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, फिर उनको मुकदमा रेप का दर्ज कराने की धमकी देकर उनसे पैसे हटते हैं। तो यहां पैसे लेने एक व्यक्ति आया था, उसको पहले हमने पकड़ा, फिर उसके बाद उस चैनल को आगे बढ़ा के हमने टोटल 4 पुरुष और 2 महिलाओं को अरेस्ट किया है और उनके कब्जे से जो फिरौती की राशि ली थी 50,000 वो हमने बरामद कर ली। तो पहले भी कोई इन पर मामले ऐसे दर्ज होते, इसके संबंध में आप जांच कर रहे हैं। टबुकड़ा के समीपवर्ती गांव कमालपुर में जौहड़ वाले मंदिर पंचपीर पर प्रथम श्याम संकीर्तन महोत्सव व भंडारे का आयोजन किया गया। पंडित मनीष शर्मा के पावन सानिध्य में सुबह 11 बजे बाबा की ज्योति प्रज्वलित कर संकीर्तन प्रारंभ हुआ, जिसमें कमालपुर के ही मशहूर भजन गायक हरि शर्मा ने बाबा श्याम के सुंदर भजन सुना, भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जयपुर से आई पिंकी सिंधी व गुरुग्राम से आई प्रियांशी ने भजन सुनाए, जिस पर पंडाल में उपस्थित महिलाएं नाचने लगी। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर श्याम शर्मा, प्रेम यादव, शमशेर यादव सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से विद्यालयों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था प्रारंभ होने पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा की छात्राओं में हर्ष दिखाई दिया। छात्राओं ने भोजन प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना कर ईश्वर का धन्यवाद किया। प्रधानाचार्य नीलम यादव ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालयों में मिड डे मील बंद कर दिया गया था, जिसे बुधवार से सभी विद्यालयों में वापस शुरू कर दिया गया है। हरियाणा हिसार के रहने वाले राधेश्याम के व्यक्ति की ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसका ट्रक अलवर की तरफ आया था। उस पर अलवर का रहने वाला आकाश नाम का युवक ड्राइवर है, ट्रक फाइनेंस पर है, वह उसकी एक किश्त ड्यू चल रही है। ऐसे में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने ट्रक को रोक कर अपने कब्जे में ले लिया, वह ड्राइवर को भगा दिया। ट्रक मालिक को जब इस बात का पता चला तो उसने मामले की सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर परेशान होकर ट्रक मालिक राधेश्याम बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, वह घटना से एसपी को अवगत कराया। ट्रक मालिक ने बताया कि ट्रक में स्क्रैप है। अच्छे से मैं रुकवा लिया था उन्होंने, तो फिर एक कार आई थी, उसमें 6 जना आए थे, मैं उसमें कार जीप में पटक दिया था और थप्पड़ पड़ दिए, कपड़े वपड़े फाड़ रखे, मेरे कंडक्टर के दिए हैं, 45,000 रुपए जेब में रखे थे, जैसे चाबी वाबी खोसी, पता नहीं पैसा गिरे हैं, उसने लिए हैं। क्या बोला वो आपसे? क्या लोग ये बोले थे नो कि तेरी गाड़ी की पिस्ट टूटी पड़ी है, गाड़ी साइड में लगा ले। कुछ बताया कहाँ ले जा रहे हैं क्या? नहीं बताया तो उसने चाबी वाबी खोस लिया, थप्पड़ उपड़ मार दे, मैं जीप में पटक दिया उन्होंने, फिर अलवर बाड़ा से बाहर छोड़ दिया था। एसपी मैडम से हम मिलने आए हैं क्योंकि हमारे ड्राइवर के गाड़ी लेके आ रहा था अहमदाबाद से अलवर, वो फाइनेंस वालों ने गाड़ी बता के मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हम अंकल इसको चेक करके हम छोड़ देंगे। बाद में उन्होंने ड्राइवर को थप्पड़ मारे, ड्राइवर का फोन खोस लिया, ड्राइवर का फोन बंद करके अपने आप वो अपना ड्राइवर बिठा के गाड़ी को लेके इसको धक्का मुक्की करके और ड्राइवर को इसमें जीप में डाल लिया, जो कि ये एक अन्याय है। जो कि मेरी पूरी किस्तें एग्री हैं, मेरे एक 25,000 रुपये के लिए कोई ऐसी है, अब जो किस्त 4 तारीख को आई है, मैंने 2 तारीख को 35,000 रुपये पे किए, उन्होंने मेरे से, मैंने रिटर्न में कहा, वो बोले कोई बात नहीं, हम आपकी गाड़ी को ऐसा कोई भी काम नहीं होगा, जिससे हिंदुस्तान का ला है 3 किस्त से पहले कोई किसी गाड़ी को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि ये हमारे एक ला है, ला RBI से भी ये बड़े हो गए गुंडा के। थाने में गए, थाने में शिकायत देने की बात हुई और थाने में क्या कहा गया? हम पहले था NIV, वो कौन सा थाना इनके पास है, वहाँ गए, उन्होंने कहा हमारा नहीं है, ये मालाखेड़ा थाने का है। हम रात को 10-11 बजे आया, मैं मालाखेड़ा में गया, उनको हमने लिख दिया, उन्होंने अभी तक मुझे कोई जवाब, मुझे कहा कि सुबह हम आपको 9-10 बजे से पहले बुला लेंगे, अभी तक मुझे कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं इसीलिए SP साहिबा से मिलने आया हूँ, क्योंकि अगर ऐसे काम चलेगा तो ऐसे किसी कोई भी गाड़ी खरीद सकता है। हम अगर सरकार को इस हिसाब से नहीं बताएंगे, अफसरों को नहीं पता लगेगा तो कैसे आएगा? ये तो गुंडागर्दी है, किसी की गाड़ी कोई थप्पड़ मारे खोज ले। ट्रक है, मेरा ट्रक है 31/12 टायर की गाड़ी है, जिसमें 25 टन स्क्रैप है, अगर उसमें स्क्रैप या कोई भी कम होता है तो वो जिम्मेवार होंगे जो कि गाड़ी पकड़ के लेके गए हैं। उन्होंने ड्राइवर को थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया है, बाहर सड़क पर छोड़ दिया है, ना गाड़ी पता, वो बाद में पता लगा गाड़ी वहाँ खड़ी है। जिस मेरा ड्राइवर, मेरा नाम राधेश्याम मलिक है, हरियाणा हिसार से हूँ और 12 ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर हरियाणा एडवाइजर भी हूं मैं।
हरसौली कस्बे की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। विद्यालय की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर रहे, जबकि अध्यक्षता परगना अध्यक्ष जगदीश नंबरदार ने की। मुख्य अतिथि के द्वारा मां सरस्वती की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिला प्रमुख छिल्लर ने इस अवसर पर प्रस्तुति देने वाली छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। छिल्लर के द्वारा स्कूल बिल्डिंग में रंग पेंट कराने की घोषणा की गई। हरसौली सरपंच ओमेश चौधरी के द्वारा हॉकी प्रांगण में मिट्टी डलवा कर सही कराने की घोषणा की। स्कूल प्रधानाचार्य रवि यादव ने आए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर सरपंच ओमेश चौधरी, शीशराम चौधरी झाड़का, परगना अध्यक्ष जगदीश लंबरदार, जीतराव लंबरदार, डॉक्टर भीम सिंह चौधरी, जले सिंह चौधरी, रणधीर चौधरी, शिव नारायण चौधरी, महावीर चौधरी, छितर सैनी, पूरण झाबुला, एमपीएस नारायण सेन, सुखराम बाबूजी, भोलूराम मास्टर, प्रधानाचार्य राजकुमार सोनी, नरेंद्र जोशी, कुलदीप चौधरी और ग्रामीण स्टाफ मौजूद रहा। गोविंदगढ़ कस्बे में रोशन कंपाउंडर वाली गली में 7 दिवसीय श्री मद भागवत सप्ताह एवं ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। 3 मार्च से शुरू हुई इस कथा का विधिवत समापन हुआ। 7 दिवसीय इस कथा में 7वें दिन कृष्ण सुदामा के चरित्र का वर्णन तथा भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन के साथ सुखदेव का राजा परीक्षित द्वारा पूजन सहित अन्य कथाओं का वाचन किया गया। आचार्य जगदीश शास्त्री ने बताया कि संगीत में इस कथा में महिलाओं की विशेष भागीदारी रही। महिलाओं ने भजनों पर नाच कर कार्यक्रम को भक्ति में बनाया। सप्ताह के बीच में सुंदर व आकर्षक झांकियां भी दिखाई गई। कथा की समाप्ति पर रात्रि में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। 3 मार्च को श्रीमद् भागवत की कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें जो भागवत जी का महत्व है उसके बारे में सभी भक्तों को बताया गया और काफी संख्या में तक भीड़ आ रही है। 7 दिन इसी प्रकार कथा चलती रही। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वें दिवस में श्री सुखदेव जी की विदाई और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सब जो हमारे सुदामा जी है उनको मित्रता का जो वास्तव में देखा जाए ना, मित्र जो हो सुदामा और कृष्ण जैसी मित्रता हो, मित्रता में भाव होना चाहिए, मैत्री होना चाहिए। इसका निष्कर्ष यही है आज की कथा का कि भगवान कृष्ण और श्री सुदामा जी का जो मैत्री भाव रहा ये इतना है, ये संदेश देता है जीवन में हृदय से आत्मीय से मित्र भाव लेना चाहिए। और आज यहाँ पर हमारे वृंदावन से आए हुए यहाँ पर मस्ताना और सुमित, इनके द्वारा श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी की झांकी का आयोजन किया गया और यहाँ पर होली मिलन समारोह हुआ। लोग बाग अपने घर में, अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में होली मिलन करते हैं, परंतु आज एक किशोरी रामकिशोर जी जो अग्रवाल है मोमबत्ती वाले, इनके यहाँ पर होली का जो है हमारा महोत्सव हुआ। इतनी पब्लिक आई, इतने सभी लोग आनंद से, भाव से, इतने नाच उठे जिसकी कोई सीमा नहीं है। लोगों ने आनंद लिया और सारे कस्बेवासी का मेरे पर में आशीर्वाद है और कई जगह से मुझे अभी कथा के लिए ऑफर आ चुका है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो हमारे गाँव गोविंदगढ़ के अंदर में जो मैंने देखा है, सब लोग एक मिलजुल कर जिस प्रोग्राम को करते हैं, सब मिलजुल कर करते हैं। और आज जो हमारे कथा का समापन हुआ, व्यास पूजन आदि हुआ और सभी ने बारी बारी से, आज कोई 500 लोगों ने मेरा बारी बारी से पूजन किया और कथा सबने मुझे आशीर्वाद दिया और आज हमारा कथा का समापन है। कल प्रातः 7 बजे से यहाँ पर यज्ञ चालू हो जाएगा, हवन चालू हो जाएगा, उसके बाद में हवन की पूर्णाहुति होगी, भंडारा होगा, जो प्रसाद का वितरण होगा, भगवान का विसर्जन होने के बाद में आगे जो हमारा कार्य है विसर्जन के बाद में समापन हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। गोविंदगढ़ कस्बे के समीपवर्ती ग्राम बरवाड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत समिति गोविंदगढ़ की प्रधान रसनम गोपाल चौधरी व स्थानीय सरपंच परवीन रही। अध्यक्षता विवेक कुमार प्रधानाचार्य बरवाड़ा ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति सदस्य प्रेम कौर, कमल भादवा,
सुनील चौधरी, फकीर चंद मोखिया, गुरदीप सिंह रहे। संस्था प्रधान विवेक कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान नन्हे मुन्हे बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। संस्था के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। आज हमारे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरवाड़े में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे अतिथि साहब सरपंच ग्राम पंचायत तिलवाड़, विशिष्ट अतिथि डायरेक्टर साहब एवं मुख्य अतिथि पंचायत समिति गोविंदगढ़ प्रधान रही, और वार्षिक उत्सव को इन्होंने अपने सानिध्य में भली भांति अच्छी तरह से पूर्ण करवाया। धन्यवाद। मेरा नाम हुकम चंद। इसी के साथ खबरों में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम थाना राजा जी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव समारोह व पूर्व विद्यार्थी भामाशाह सम्मेलन राजस्थान युवा बोर्ड सदस्य लोकेश कुमार मीना के मुख्य आतिथ्य व पंचायत समिति सदस्य NL वर्मा, CBEO रामेश्वर दयाल मीना के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित हुआ। प्रधानाचार्य दिनेश चंद सैनी ने बताया कि इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। अतिथियों ने विद्यालय विकास में योगदान देने का आश्वासन दिया। विद्यालय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के साथ श्रेष्ठ विद्यार्थियों व भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान श्रीमती भोरी देवी ने की। संचालन शारीरिक शिक्षक मनोज कुमार गौतम व NL वर्मा। बुगोर बाईपास के पास मंगलवार को एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया था। बुधवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा के घटना की जानकारी मृतका के परिजनों को दी। मृतका के भाई ने हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की जांच करने की मांग की है। बुगोर बाईपास क्षेत्र में सुनीता मीणा पत्नी गोवर्धन परिवार के साथ रहती थी। ससुराल कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के करीबी पार्षद नरेंद्र मीणा व दो ठेकेदारों को जयपुर ACB की टीम ने 5,00,000 से ज्यादा की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। तीनों 15 दिनों से जेल में बंद थे। हाईकोर्ट से तीनों को जमानत मिली। जमानत मिलने के बाद बुधवार को नरेंद्र मीणा जेल से रिहा हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो आगामी दिनों में कई बड़े खुलासे करेंगे। अभी तक जो मीडिया के सामने आया है वो पूरा गलत है। नरेंद्र मीणा को अलवर के केंद्रीय कारागार से बुधवार को रिहा किया गया। इस दौरान उनकी पत्नी और परिवार के अन्य लोगों के साथ बड़ी संख्या में समर्थक उनको लेने के लिए पहुंचे। फूलमालाओं से उनका स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में गाड़ी काफिले के साथ नरेंद्र मीणा केंद्रीय कारागार से रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक मीडिया के सामने जो आया है वो गलत है, आगामी दिनों में वो कई बड़े खुलासे करेंगे। उन्होंने कहा कि घटनाक्रम पर अभी बोलने का समय नहीं है। पार्षद जी, आप पूरी घटनाक्रम पे? नहीं, मैं अभी घटनाक्रम पे तो नहीं बोलूंगा, दो तीन दिन बाद बोलूंगा उस पर। सारी तसल्ली से सारी बातों को क्या था पूरा आपके खिलाफ? नहीं, मैं सब कुछ दो तीन दिन का समय लूंगा,
सभी मेरे अभी तो शुभचिंतक जो मेरे थे, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे यार दोस्त जिन्होंने इस कठिन समय में मेरा जो सहयोग किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। और साथ ही सत्यमेव जयते आपको कुछ दिन में दिख जाएगा, दो तीन दिन में सारी चीज़ों का खुलासा करूँगा। डे बाई डे आपको अच्छा अस्पताल जो आप लोगों ने छापा ना वो कुछ भी नहीं था जी, ये सब एक भ्रम था जी, उसमें 10% भी सच्चाई नहीं थी वो मैं आपको दो तीन दिन बाद। राजगढ़ कस्बे के बस स्टैंड स्थित निजी मैरिज गार्डन में माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजगढ़ रैनी कठुमर बांसुर व मालाखेड़ा ब्लॉक के स्वयं सहायता समूह व राजगढ़ की विभिन्न महिला समितियों की महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक अंजलि अजीत जोरवाल ने कहा कि भारतवर्ष में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है व संस्था के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में महिलाओं के लिए संचालित स्वरोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। संस्था के क्षेत्रीय प्रबंधक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि लुपिन के द्वारा 20 जिलों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 15,000 से अधिक ग्रामीण महिलाएं व स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विभिन्न प्रकार का स्वरोजगार का कार्य कर रही हैं। इसके लिए संस्था ने महिलाओं को कम ब्याज दर पर विभिन्न बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाकर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है। कार्यक्रम में अध्यक्ष पंचायत समिति प्रधान भोरी देवी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि रिटायर्ड IAS RC मीना ने बताया कि भारत में महिलाओं की जन्म दर कम होती जा रही है। लॉयंस क्लब के रीजन प्रशासक खेम सिंह आर्य ने संस्था द्वारा कस्बे में करवाए जा रहे विकास के कार्यों की प्रशंसा की। कार्यक्रम में महिला समिति की पद्मा गोयल, रेखा रानी, ममता गोयल, अध्यापिका नीलम, सामाजिक कार्यकर्ता सहित अन्य ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में संस्था के संजय शर्मा, दीपक महाजन, गिरिराज नरेश, राजेंद्र, ओम प्रकाश, मधुबाला, चेतन मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन शालो हेम्ब्रम ने किया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बहाला बस स्टैंड के पास स्थित कार्यालय पर उमंग CLF महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति ने महिला दिवस के अवसर पर चौथी आम सभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलवर गौरव सैनी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आम सभा में उमंग CLF की महिला सदस्यों ने भाग लिया और उन्होंने सहकारी समिति से जुड़कर समूह के रूप में स्वरोजगार कर अपनी उन्नति के बारे में बताया। इस अवसर पर उमंग CLF की मैनेजर गीता प्रजापत द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा गया और बताया गया कि इस वर्ष संस्था द्वारा 7,88,000 की ऑडिट अनुसार शुद्ध आय प्राप्त की है। वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा गया और बताया गया कि इस वर्ष संस्था द्वारा 7,88,000 की ऑडिट अनुसार शुद्ध आय प्राप्त की है और संस्था ने अब तक 1,57,000 की कुल आय प्राप्त की है। महिलाओं ने महिला दिवस को धूमधाम से मनाते हुए सांस्कृतिक प्रोग्राम भी पेश किए। मैनेजर गीता प्रजापत ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोजगार देकर उनका सर्वांगीण विकास कराना है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव सैनी ने समूह से जुड़ी महिलाओं के स्वरोजगार कर उन्नति करने के विचार सुन समूह की प्रशंसा की। BRKGB बैंक के रीजनल मैनेजर सुनील खंडेलवाल, पंजाब नेशनल बैंक से जिनेश वशिष्ठ व राजीविका के जिला प्रबंधक राहुल महलावत, अदिति सहित आसपास के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मंगल ऐप मैनेजर गीता प्रजापत, लेखापाल जमशीदा खान, रेखा सुमन, कविता लीला देवी और स्टाफ ने कार्यक्रम की व्यवस्था की। नमस्कार, मेरा नाम रेखा चौधरी, मैं उमंग CLF बगड़ राजपुर से फील्ड कोऑर्डिनेटर बोल रही हूँ। आज हमारे CLF के चतुर्थ आम सभा का आयोजन किया गया और आज ही हमारे उमंग CLF में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। आज की हमारी आम सभा करने का मुख्य उद्देश्य नारी शक्ति को बढ़ावा देना रहा और आजीविका को बढ़ावा देना रहा। आज के हमारे मुख्य अतिथि अलवर से आए CEO सर, राजीविका से आए DPM सर, PNB बैंक से आए RSCIT डायरेक्टर और बैंक से आए बैंक मैनेजर रहे। आज की आम सभा का मुख्य उद्देश्य नारी शक्ति को बढ़ावा देना रहा। आज की आम सभा में हमारे CLF की 500 बहनों ने भाग लिया। हम 4,000 बहनों के साथ काम कर रहे हैं और हमारी आज की आम सभा में 10 बहनों ने स्टॉल लगाई, जिसमें आचार, पापड़, सिले कपड़े और कुछ पॉटरी का सामान भी लगाया, जिसको देखकर हमारे सर बहुत खुश हुए। हमारे CLF की इस साल की शुद्ध आय 7,74,000 है और हमारे CLF की 3 साल की शुद्ध आय 15 लाख है और हम लाइव लोड पे काम कर रहे हैं। धन्यवाद।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रामगढ़ की राजेश्वरी देवी ने मिसाल कायम की है। भामाशाह राजेश्वरी बालिका स्कूल में बालिकाओं की सुविधा के लिए कमरा निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि दान की है। कस्बा निवासी महिला राजेश्वरी देवी पत्नी स्वर्गीय भगवान सहाय खंडेलवाल सुनहेड़ा वालों ने महात्मा गांधी बालिका सीनियर विद्यालय को 2.5 लाख रुपए का चेक दान स्वरूप दिया है। बालिका स्कूल में दी गई इस राशि से छात्राओं के लिए कक्षा कक्ष का निर्माण किया जाएगा। और दूसरी ओर कस्बा निवासी सेवानिवृत्ति वयोवृद्ध शिक्षक रामबाबू गुप्ता ने भी अपने जन्मदिन पर बालिका स्कूल में सुविधाएं जुटाने के लिए 1 लाख रुपए दान देने की घोषणा की। महिला दिवस पर बालिका स्कूल को प्रदान की गई इस राशि पर स्कूल प्रशासन ने भामाशाह राजेश्वरी देवी रामबाबू गुप्ता उषा खंडेलवाल व राजेश कुमार का सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश मुखिया ने बताया कि प्राप्त हुई राशि को मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में जमा कराया जाएगा। इस दौरान वयोवृद्ध अध्यापक रामबाबू गुप्ता, अजीत जैन, व्याख्याता हेमलता राजकुमार मीणा, व्याख्याता यशवंत शर्मा, हेमलता घनश्याम, विजय राजकुमार मीणा, संगीता ओढ़, हर्षदीप कौर, सुमन गुप्ता, बबीता सिंह, ज्योति जोशी, पूनम, नेहा सोमवंशी, मनीषा गुप्ता आदि मौजूद रहे। सीनियर गर्ल्स स्कूल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में श्रीमती राजेश्वरी देवी धर्मपत्नी श्री भगवान साहेब खंडेलवाल ने स्कूल विद्यालय में कक्ष निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए का चेक दिया और श्री राम बाबू जी गुप्ता जो शिक्षाविद हैं उन्होंने भी 1 लाख रुपये देने की घोषणा की। मंच से महिलाओं के बारे में बताया गया कि महिला यदि जीवन में चाहें तो वे इतिहास को बदल सकती हैं। ऐसी बहुत सी महिलाएँ हैं जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर अपना नाम रोशन किया। श्री रामबाबू जी गुप्ता ने अपने विचार रखे, भाई राजेश जी ने अपनी बात कही और जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य उन्होंने अपने विचार रखे। आईएमएस नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय महिला शिखर सम्मेलन में राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। निशा होम की डायरेक्टर निशा सैनी निवासी अलवर का दिल्ली में सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अन्नपूर्णा देवी, जिला शिक्षा मंत्री भारत सरकार रामनिवास गोयल, अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा अध्यक्षता डॉक्टर सरस्वती देव कृष्ण गौड़, आचार्य दीदी ज्योतिष विशेषज्ञ, अति विशिष्ट अतिथि सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी, सांसद गीता कोड़ा, पूर्व सांसद बेगम नूरबानो, आचार्य कथक वाराणसी नृत्य शिरोमणि गुरु जितेंद्र महाराज, पद्मश्री शीला झुंझुनवाला, पद्मश्री गुलाबो सपेरा, पद्मश्री कमलिनी अस्थाना, पद्मश्री नलिनी अस्थाना, आईपीएस भावना सक्सेना, योगिता सिंह सहित काफी गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में करनी सेना राजस्थान की महिला शक्ति की प्रदेश आईटी प्रभारी भारती राठौड़ के नेतृत्व में अलवर इकाई द्वारा फाग उत्सव मनाया गया। फाग उत्सव में सर्वप्रथम महिला शक्ति द्वारा भगवान राधा कृष्ण मंदिर की झांकी सजाई गई। लोग भजन गाकर उनकी पूजा अर्चना की गई। साथ ही महिलाओं द्वारा एक दूसरे के रंग गुलाल लगाकर फूलों की होली खेली गई। महिला शक्ति की प्रदेश आईटी प्रभारी भारती राठौड़ के साथ निशा जादौन, कोमल जादौन, चित्रा राठौड़, बीना कंवर, भावना चौहान, भारती चौहान, यामिनी चौहान, दीपा हाड़ा, तमन्ना यादव, हर्षिता, सीता देवी, टीना राघव, संगीता शेखावत, प्रतीक्षा शर्मा, अंजिता गरिमा आदि अनेक नेक महिला शक्ति ने भाग लिया। इसी के साथ खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई, हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाहटा फाउंडेशन और काना एसोसिएट ने भिवाड़ी की संभ्रांत महिला शक्ति को उनके ऑफिस में जाकर सम्मानित किया, जिनमें से प्रमुख राजस्थान विद्युत विभाग से प्रीति जैन, प्रतिमा कुमारी जिला परिवहन ऑफिसर मिस सुमन डेलू, रिको भिवाड़ी की रिचा मैडम, डिप्टी सेक्रेटरी बीड़ा की सुमन यादव, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर नगर परिषद रितु शर्मा, फायरमैन नगर परिषद पूनम यादव, पिंकी मीना, जेई नगर परिषद शिखा माथुर, एसएचओ इंटेलिजेंस प्रीति राठौर, सब इंस्पेक्टर अखिलेश कुमारी, रजनी कुमारी और महिला थाना की कविता कुमारी सीमा चौधरी को उनके भिवाड़ी नगर में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और योगदान के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर नाहटा फाउंडेशन से रितिबा नाहटा, के श्रीवास्तव, सुरेंद्र सिंह, अमित नाहटा पार्षद, राजवीर दायमा, सौम्या पारीख और काना एसोसिएट से मोहित सिंह, प्रदीप कसाना, सूबेदार विजयपाल चौकन, जगत कसाना व कृष्ण कुमार आदि उपस्थित रहे। नाहटा फाउंडेशन और कृष्णा स्वीट्स की तरफ से जो पहल प्रारंभ की गई है, महिला अधिकारी साथीगण जो भी हमारे इस फील्ड में काम कर उनको सम्मानित करने का, ये एक अनूठी पहल है और जिसको आगे भी उम्मीद करती हूँ अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा इनकी तरफ से। हर व्यक्ति जो, हर महिला जो किसी न किसी रूप से समाज में अपना योगदान दे रही है, उनको एक पहचान मिलेगी, उनको धन्यवाद ज्ञापित करने का एक अच्छा प्रयास है। और जितनी भी माताएं बहनें हैं उनसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि बेटी होने पे गर्व महसूस कीजिए, आप ही इस संसार की धुरी हैं और सभी क्षेत्रों में आपका अपना एक अनूठा योगदान आप लोग दे रहे हैं। बेटियों को आगे बढ़ाएं, उनका आत्मविश्वास बने और इसका प्रारंभ परिवार से ही करें, उसके सुरक्षा को लेकर, उसको आत्मरक्षा संबंधित जितने भी आप लोग टेक्निक, सेल्फ डिफेंस हो गया, बाकी अन्य जो भी अपने यहाँ उपलब्ध हैं उनमें उनको प्रशिक्षण दिलाएं और बाहर निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी इस समाज का कि हमें सम्मानित किया, और मैं और भी यहाँ के जो गांव के जो पेरेंट्स हैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि वो अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें, उनको प्रोत्साहित करें, वो जिस भी फील्ड में बढ़ना चाहती हूँ उनको बढ़ाएं। तो ये बहुत अच्छा है एंड मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है गवर्नमेंट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को भी ऐसे मतलब किया जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है और वुमेन्स को बढ़ावा देने की बात है, एम्पावरमेंट है, तो दैट इज़ वेरी नाइस। कलेक्ट्रेट के बाहर 3 दिन से चल रहे भूख हड़ताल पर बैठे परिजनों में से एक महिला बेहोश हो गई, पुलिस ने उसे एम्बुलेंस से सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया। इस दौरान परिजनों ने कलेक्ट्रेट गेट पर हंगामा किया। यह मामला उद्योग नगर थाना क्षेत्र के सैयद खेड़ली का है। परिजन हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी सरिता सिंह मौके पर पहुंची और परिजनों को 10 दिन के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। दरअसल यह हत्या का मामला 2 महीने पुराना है। ट्रांसफर कर दिया है और बोला कि जो 9 मुलजिम हैं उन 9 को 5 अरेस्ट कर लिए हैं, 4 और हम अरेस्ट कर लेंगे और 3 की वो जांच करके, वो नाम जो ऐड हुए हैं 3 की जांच करके उनको ले लेंगे, ऐसा बोले हैं और आश्वासन दिया है कि ये 10-15 दिन में केस जोन कर देंगे, मतलब सही केस की करके जांच करके और 90 दिन से पहले आगे हम भेज देंगे। आप उनकी जो मैडम एसपी ने जो आपको संतुष्ट जो दिया है, मैडम ने आश्वासन दिया है, बचाने की कोशिश की गई है, 15 लाख रुपए खाए हैं, नहीं वो उन्होंने खाए हैं, लेकिन मैडम के उससे आश्वासन से हम सहमत हैं
एग्री हैं हम मैडम ने जो हमें बोला है, लेकिन अब वो कितना आगे होता है वो अभी हाल फिलहाल संतुष्ट है। हाल फिलहाल हम संतुष्ट हैं मैडम ने हमें। क्या नाम है आपका? मैं परमानंद। तीन मुजरिमों को वो बोल रहे हैं कि अगर तफ्तीश में आएंगे तो उनको हम अरेस्ट करेंगे, तो अभी चार दिखा रहे हैं। जैसे आपने बताया कि सात मुजरिम बताए थे मैंने, तो पुलिस चार बता रही है कि सात। तीन का नाम हमको याद नहीं था, बाद में जुड़वाया गया 30 तारीख को। 29 को जो रिपोर्ट हुई है, 30 को भी रिपोर्ट हुई है, उसमें जुड़वाया गया, तो उन्होंने जोड़ लिया है। आपने SHO पर आरोप लगाएंगे पैसे लेकर? 15 लाख रुपए SHO ने 29 तारीख की रात को खाए थे पंडी गांव में जाके, उनकी लोकेशन वही की बता रही है। आपने जांच अधिकारी कर दी है? जांच अधिकारी कौन लगाया गया इस समय आपने? अंजलि मैम। अब क्या आश्वासन दिया है आपको जो आप मैडम से मिले हैं? आश्वासन दिया है, हमारी मांगे मान ली। तब तक टाइम भी दिया है, कुछ समय सीमा दी है क्या? कितने दिन तक? दूसरा CO चेंज कर दिया है। आज अभी आप संतुष्ट हैं? अंजलि जी हैं, उनको जांच दिन नहीं होगा तो दोबारा करेंगे। MI थाना में इनका एक प्रकरण दर्ज हुआ था 302 के तहत, तो उसके मुलजिम अरेस्ट को लेकर ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। जब इनसे वार्तालाप की गई तो प्रथम दृष्टया तो इनका ये डिमांड था कि शायद चार मुलजिम और हैं जिनका अरेस्ट करनी है। नौ मुलजिम थे फाइल में, जैसे पांच की अरेस्ट हो गई थी, चार बाकी रह गए थे। इनका ये कहना है कि तीन मुलजिम और हैं पत्रावली में, तो इनका रिप्रेजेंटेशन ले लिया है। SHO और कंसल्टिंग CO से संतुष्ट नहीं होने से तफ्तीश को CO साहब राजगढ़ को देने का निर्णय लिया गया है SP साहब के द्वारा, और उसमें अंजलि द्वारा डिसाइड कर लिया जाएगा जो भी मुलजिम है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। SHO के रूप जो आरोप लगा रहे हैं उसका अलग से पृथक से ये रिपोर्ट दे दें, उसकी हम जांच कर रहे हैं। अभिकृति संस्थान के सदस्यों ने संस्था के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 9 मार्च को अभिकृति डे के रूप में मनाया। संस्था द्वारा अलवर की कच्ची बस्ती के बच्चों को मिठाइयां उपलब्ध कराई गई, साथ ही शहर के कुछ चुनिंदा जगहों पर TB मरीजों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से लोगों को अवगत कराया। इसके साथ ही अभिकृति संस्थान के सफर को डिजिटल प्रस्तुति के रूप में प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों के सामने रखा गया। इसके अलावा बिजलीगढ़ चौराहे पर विजन संस्थान के साथ मिठाइयां बांटी गई। अभिकृति संस्था है जिसको 2 वर्ष पूरे हुए हैं आज। हम लोग स्टूडेंट हैं जो कच्ची बस्ती में पढ़ाते हैं बच्चों को, उनके आज 2 साल पूरे हुए हैं, तो उसके लिए हमने कार्यक्रम रखा है तोलानी सभागार में। अभिकृति संस्था से है आज हम लोग, हमारे साथ जो पिछले वर्ष से काम कर रहे हैं लोग अपना योगदान दे रहे हैं, हम उन्हें आज सम्मानित करेंगे। और इसके अलावा हम जो कच्ची बस्ती के बच्चों को उनके मम्मी पापा बुलाया है, जिनके लिए हम ये काम कर रहे हैं। और क्या संस्था काम करती है इसके अलावा? संस्था ने अभी कुछ दिन पहले दिवाली के लिए बच्चों से दिए बनवाकर, विमंडित बच्चों से दिए बनवाकर क्वालिटी वॉल्स बेचे थे। और इसके अलावा संस्था ब्लड डोनेशन, प्लांटेशन, इसके अलावा कई कार्य करती है। मेरा नाम शानू गुप्ता। नमस्ते, मेरा नाम स्वाति। अभिकृति संस्थान के सदस्यों ने संस्था के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 9 मार्च को अभिकृति डे के रूप में मनाया। संस्था द्वारा अलवर की कच्ची बस्ती के बच्चों को मिठाइयां उपलब्ध कराई गई, साथ ही शहर के कुछ चुनिंदा जगहों पर TB मरीजों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से लोगों को अवगत कराया। इसके साथ ही अभिकृति संस्थान के सफर को डिजिटल प्रस्तुति के रूप में प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों के सामने रखा गया। इसके अलावा बिजलीगढ़ चौराहे पर विजन संस्थान के साथ मिठाइयां बांटी गई। अभिकृति संस्था है जिसको 2 वर्ष पूरे हुए हैं आज। हम लोग स्टूडेंट हैं जो कच्ची बस्ती में पढ़ाते हैं बच्चों को, उनके आज 2 साल पूरे हुए हैं, तो उसके लिए हमने कार्यक्रम रखा है तोलानी सभागार में। अभिकृति संस्था से है आज हम लोग, हमारे साथ जो पिछले वर्ष से काम कर रहे हैं लोग अपना योगदान दे रहे हैं, हम उन्हें आज सम्मानित करेंगे। और इसके अलावा हम जो कच्ची बस्ती के बच्चों को उनके मम्मी पापा बुलाया है, जिनके लिए हम ये काम कर रहे हैं। और क्या संस्था काम करती है इसके अलावा? संस्था ने अभी कुछ दिन पहले दिवाली के लिए बच्चों से दिए बनवाकर, विमंडित बच्चों से दिए बनवाकर क्वालिटी वॉल्स पे बेचे थे। और इसके अलावा संस्था ब्लड डोनेशन, प्लांटेशन, इसके अलावा कई कार्य करती है। मेरा नाम शानू गुप्ता। नमस्ते, मेरा नाम स्वाति खंडेलवाल और मैं अलवर से हूँ। मैं अभिकृति फाउंडेशन का एक पार्ट हूँ। मैंने 2020 में अपनी एक जर्नी स्टार्ट की थी बच्चों को कच्ची बस्ती में जाके बच्चों को पढ़ाने से, और ये अभी लगातार चल रहा है और होपफुली चाहेंगे कि हमेशा चलता रहे ऐसा काम, और लोग हमारे साथ आके जुड़े और हमारा सपोर्ट करें। बस मैं ये कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। खबरों में इतना ही, बने रहिए अलवर न्यूज़ के साथ।